दिनी ब्लॉग। तो आज है रबीउल अव्वल, मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल मुबारक। तो आज हम जाने वाले हैं बाहर लाइटिंग देखने, तीन चार जगह की मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं और जल्दी से वो घर वापस आ जाए। चलो, तो आप जो ये डेकोरेशन देख रहे हैं ये है पार्क कॉलोनी की डेकोरेशन। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह तो इतनी नहीं है लेकिन यहाँ पर डेकोरेशन हुई भी है और काफ़ी, मतलब रोड थोड़ा सा जाम है, ज़्यादा जाम नहीं है, थोड़ा सा ही जाम है रोड। अभी हम पहुंच चुके हैं गुलशन, और गुलशन में कोई इतनी खास डेकोरेशन वगैरह नहीं है, बस जो अपने सर सबने अपने अपने घर सजाए हुए। बाकी रोड वगैरह पे कोई रश वगैरह और कोई नाच वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम वहाँ से निकले और हम पहुँच गए आयशा मंजिल। तो आयशा मंजिल से हम जब गुजरे तो गली में देखा तो कुछ सजा हुआ था, तो हमने बोला अंदर जाके देखते हैं। तो अंदर जाके हमने जब देखा तो काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, थोड़ा सा ही सजा हुआ था लेकिन काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। तो हमने बस वहाँ पर 5 मिनट हम ज़्यादा नहीं रुके, सिर्फ 5 मिनट रुके। आप देख सकते हैं जैसे कि कितना अच्छा सजा हुआ है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है और डेकोरेशन भी काफ़ी है। और उसके बाद हम निकले लालू के डाकखाना। लालू के डाकखाना पे जब हम पहुँचे हमने तो सोचा था वहाँ पे काफ़ी रश होगा, क्योंकि हर साल बहुत रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इस साल तो बहुत रश था। ये सारी डेकोरेशन लालू खेत की ही है और अब हम जा रहे हैं रिसविया। और हम रिसविया पहुंच चुके हैं, और जब हम रिसविया पहुंचे तो स्टार्टिंग में तो कम रश था, लेकिन जब हम आगे गए तो वहां तो काफ़ी रश था। झंडा देखिए आप लोग कितना बड़ा है, कैमरे में भी नहीं आ रहा, कैमरे के अलावा मुझे वैसे ही नज़र नहीं आ रहा था ऊपर, क्योंकि काफ़ी अंदर आ रहा था। हर साल इतना इधर इतना ही बड़ा झंडा लगता है। यहाँ पे आप रश देखें ये, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी रश नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ रश क्या होता है, ये देखिए ये होता है रश। रश हम लोग आगे गए नहीं, हमने डिसाइड करा तो हम लोग यहीं से खड़े होकर बस थोड़े से वीडियो बना लेंगे। देखें कितने आवाम है, कितनी वो एंड तक भरी पड़ी है आवाम, पाँव रखने की जगह भी नहीं है। तो हम लोग साइड में ऊपर चबूतरे पर चढ़ कर ना वहाँ से वीडियो बनाई है मैंने, तो देखें आप कितनी आवाम है। तो हम वहाँ से तो निकले और हम वहाँ गए जहाँ कम रश था, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी रश था फिर भी उसके हिसाब से, लेकिन चलने की जगह थी आराम से ना। तो गाइस ये थी रिसविया की डेकोरेशन। तो अब हम चलते हैं मेमन मस्जिद। तो गाइस हम मेमन मस्जिद जा रहे थे तो रास्ते में सदर पर ये डेकोरेशन दिखी, तो मैंने यहाँ की भी वीडियो बना ली है। तो गाइस हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ सिविल का इलाका कुछ करके था, ये हमने रिक्शे वाले से पूछा था ये कौन सा इलाका, तो ये सिविल का था। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, थोड़ी सी जगह पर थी ये भी डेकोरेशन, लेकिन काफ़ी अच्छी हुई थी, आप इन्जॉय करें। और ये देखिए यहाँ पे तो बन कबाब लगे रहे हैं और बन सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि जैसी रेडी हो और हम खाएं।
तो हम यहाँ से जा रहे हैं और आगे चलते हैं। तो हम जहाँ से जा रहे थे तो हमें लाइट हाउस दिखा, लाइट हाउस भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई हुई थी। तो हम लाइट हाउस में लाइट हाउस को ही वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाते हुए तो मुझे एक जहाज़ देखा जो काफ़ी नीचे था, तो मुझे तो काफ़ी हैरानी हुई और बहुत आराम आराम से चल रहा था, ये देख सकते हैं आप ही, बहुत स्लो स्पीड में चल रहा था और काफ़ी नीचे था। और तो गाइस फाइनली हम मेमन मस्जिद पहुंच चुके हैं जहाँ के लिए हम इतनी दूर आए हैं। खुशबू कितनी अच्छी रही माशाल्लाह से, रात की रानी लगी हुई और बहुत वीआईपी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है इसकी। तो गाइस हम यहाँ पर तो इसलिए आए थे, क्या गया हम, मुझे एक वर्कर ने बोला था काफ़ी अच्छी डेकोरेशन होती है मेमन मस्जिद में, बट मैं आया तो कोई खास डेकोरेशन नहीं थी, डेकोरेशन की लेकिन इतनी कोई खास डेकोरेशन नहीं थी और क्राउड भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई थी। भाई आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मस्जिद बनी हुई है, अंदर से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन हमने काफ़ी जल्दी अपने कवर कर ली थी वीडियो जगह। तो अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, हमें 12:30 हो जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, तो अभी चलते हैं घर। भाई हम घर जा ही रहे थे तो हमें रास्ते में रंचो लाइन पे ये जगह दिखी, तो हमने इसको भी कवर कर लिया है। आप देखें यहाँ पे भी वो डेकोरेशन है, लेकिन इतनी कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी कम क्राउड है। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और घर जाके मैं आराम करता हूँ। आपसे एक गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक।